आपने सुना होगा श्री हरिपाल जी नाम के भक्त का चरित्र। ये पूर्व में विवाह से पूर्व बहुत प्रेमी अनन्य अनुरागी भक्त थे, लेकिन जब विवाह हुआ तो पत्नी इनसे भी अधिक अनुरागी प्रेमी आई और उनके संपर्क से, उनके संग से महाराज इनकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ गई। और उस भक्ति के प्रभाव से महाराज हरिपाल जी ने अपना संपूर्ण जितना भी धन था वह सबको समाप्त कर दिया, बर्तन भांडे तक बेच दिए महाराज, गिरवी मकान को रख दिया और स्वयं मंदिर में रहने लगे, पर संतों की सेवा नहीं छोड़ी। संत जब घर पर आए तो अब क्या करें, पहले चोरी करते थे, चोरी इसलिए करते थे कि महाराज जी लाएंगे और संतों को पवाएंगे। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग ये प्रेरणा मत ले लेना कि हम लोग भी चोरी करें और संतों को खिलाएं। यहाँ पर ये विधान तब है कि जब अपने पास जो कुछ था पहले वह सब समाप्त हो गया, उसके बाद चोरी का उपक्रम इन संत ने किया। और ध्यान दीजिएगा, वह भी अपने लिए नहीं किया, वह भी संत सेवा के लिए किया चोरी का उपक्रम। और गजब की बात यह है कि महाराज जी एक दिन चोरी करने के लिए गए तो एक के यहाँ जब प्रवेश किया और आटा दाल चावल एक चादर में लपेट करके भर रहे थे, उसी समय उस घर की एक कन्या जग गई और जग करके उसने कहा, पिताजी देखो लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है, खटपट बहुत हो रही है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। महाराज जी उस पुत्री को पिता ने चुप करते हुए कहा, बोले चुपचाप सो जा, हमारे गांव में कोई चोर नहीं है, हमारे गांव में तो एक हरिपाल जी हैं, घर घर में जाते हैं और उनके यहाँ जाते हैं कि भाई जो कभी संत सेवा नहीं करते, अपने धन का अपने अन्न का सदुपयोग नहीं करते, उनके यहाँ जाकर के आटा दाल चावल भर लेते हैं, जो वह भर रहे हैं भरने दे, चुपचाप सो जा। पिता पुत्री की बात महाराज इनके कान में पड़ गई, तब से इनको अत्यंत ग्लानी हुई। अरे राम राम, हम तो सोचते थे कि कोई विमुख के घर पर जो भगवान का प्रेमी न हो उसका धनमाल जानबूझ करके ठाकुर जी के चरणों में लगवा दें तो इसका कल्याण हो जाए, पर ये तो स्वयं चोरी करवाना चाहते हैं, इसका मतलब ये तो कोई भक्त है। तो भक्त के अपराध का बोध हो गया। उस दिन के बाद में ठान लिया, बोले आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। महाराज चोरी का कार्य छोड़ दिया, पर संतों का आवागमन इनके यहाँ लगा रहता था। तो हुआ क्या, एक दिन संत पधारे, महाराज जी एक छटाक आटा नहीं था, ऐसी स्थिति में अब क्या करें। पत्नी ने कहा कुछ व्यवस्था तो करो, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज हम राहजनी करेंगे, अर्थात राहगीरों को लूटेंगे। लंबा सा डंडा लिया, हट्टे कट्टे थे ही, रास्ते में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे इधर इनकी पत्नी ने प्रार्थना करी, हे नाथ हमारे द्वार से आज तक कोई भूखा नहीं गया, सब संतों ने पाया है, इसलिए आप कृपा करो आज भी ये संत जो आए हैं ये द्वार से भूखे न जाए, कोई व्यवस्था तो बन जाए। ऐसी भावना करी तो उसी समय श्री द्वारकाधीश भगवान जो भोजन पाने के लिए बैठने ही वाले थे खड़े होकर के कहीं जाने लगे। माँ रुक्मिणी ने पूछा, जय जय कहाँ चल दिए, बोले कुछ अपनों के यहाँ जाना है, कुछ अपनों के काम बनाने हैं इसलिए वहां जाना है। अरे अपनों के यहाँ अकेले अकेले चले जाते हो, हमको कभी नहीं लेकर के जाते, हम भी चलेंगी। तो बोले देखो अपनों के घर ऐसे नहीं जाया जाता जो खड़ी हो तुम। अरे भैया बढ़िया पहन ओढ़ करके जाया जाता है, इसलिए जितना हो श्रृंगार कर लो और श्रृंगार करके तब वहां पर चलेंगे। ठीक, अब श्रृंगार करके जब आई तो ठाकुर जी स्मरण करा करा करके कहने लगे, अरे बोले अभी तो ये बहुत हल्का श्रृंगार है, थोड़ा भारी भर कम करो, देखो वो फला चीज वहां रखी है वो आप पे बड़ी जमती है, आप उसको पहनो, देखो वो जो रखी है ना वो ऐसे इसको पहनो, इसको ओढ़ो।
महाराज जी जितना पहने थी स्वर्ण उससे दुगना ठाकुर जी ने पहनवा दिया। पहुंच गए वहां और महाराज जी श्री ठाकुर जी ने इसी लीला का संपादन किया, जानबूझ करके हरिपाल जी के सामने विमुखों का सा, विमुख माने अभक्त का सा आचरण किया। अभक्त का आचरण ये ना राम राम ना श्याम श्याम है, महाराज जी खड़े होकर के लघुशंका करना, बिना हाथ धोए कुछ खा पी लेना, ये सब अभिमुखों का आचरण किया। दिखाना चाहते थे कि इनको अगर पता चली हम कोई भक्त हैं तो ये हमको लूटेंगे नहीं, और इनको पता चल जाए बोले हम विमुख हैं अभक्त हैं तो इस भावना से हमको लूटेंगे। धन्य है श्री हरिपाल जी, महाराज ठाकुर जी साक्षात स्वयं उनसे लूटने के लिए आए हैं। भैया ठाकुर जी अपनी सेवा से नहीं रीझते, इनके मन में भावना थी कि संतों की सेवा हो, संतों की सेवा के चाव से ठाकुर जी स्वयं लुटने के लिए आ गए। ऐसा अद्भुत महाराज आनंद रहा, ठाकुर जी के हृदय में हेलोर मार रही है, बोले जैसे ही रास्ता आवे सुन सुनसान सा तो ये हमको लूटें। महाराज ऐसा ही हुआ, आगे जाकर के रास्ता सुनसान सा आया तो उस समय घुमा घुमा करके उन्होंने लठिया घुमाना शुरू कर दिया, जमीन पे पटकियां और कहे उतार दो सब कुछ, उतार दो सब उतारो महाराज। और अब तो ठाकुर जी तो कांपे, कांप करके ये उतार वो उतार सब उतार करके दे दिया। और रुक्मिणी जी से कह रहे आप भी उतारो नहीं तो ये अभी मार देगा, कांप रहे हैं भक्तों के आगे ठाकुर जी। आहा कैसी अद्भुत लीला है। रुक्मिणी जी ने कहा ये त्रिलोकी के नाथ है और ये एक सामान्य से मनुष्य के आगे, एक राजनी करने वाले के आगे इस प्रकार से कांप रहे हैं, ये लीला समझ में नहीं आती है। तो महाराज जी उतार तो सब दिया लेकिन एक छल्ला हाथ में रह गया, स्वर्ण का छल्ला एक हाथ में रह गया रुक्मिणी जी के। तो महाराज जी उठा करके जा रहे थे उसी समय उस छल्ले पर, उस अंगूठी पर निगाह पड़ गई हरिपाल जी की। इन्होंने कहा ए उतार इसको भी नहीं तो अभी जान निकाल दूंगा। मार नहीं रहे जमीन पर लठिया मार रहे हैं। हमारे महाराज जी सुनाते हैं हरपाल जी इतने सीधे भक्त थे कि उन्होंने जीवन पर्यंत कभी एक चींटी तक को नहीं मारा, एक चींटी नहीं मारी, पर आज लठिया घुमा घुमा करके कह रहे हैं मार दूंगा जान निकाल दूंगा उतार सब। महाराज वो छल्ला नहीं उतारा उन्होंने तो जबरदस्ती हाथ पकड़ करके और छल्ला को उतारने लगे। और यह बात सोच करके कि अरे भाई इस एक छल्ला की कीमत से कई दिन तक साधुओं का भंडारा होगा, इसके पास रहेगी तो इसका क्या फायदा करेगी, पर आज ये उतर करके संतों की सेवा में लग जाएगी तो इसका कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी तो लुटे पर रुक्मिणी जी का जो छल्ला खींचा तो आया रुक्मिणी जी को क्रोध, उन्होंने कहा अभी इसको भस्म कर देती हूं। मैं उठाया हाथ, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के कहा रुको देवी, अरे काहे भस्म कर रही हो उसको बेचारे को, अरे तो संत से भी है और हम तो इसी के लिए आए थे, हम तो लुटने ही आए थे, इसलिए तुम चिंता मत करो जैसा ये कर रहा है ठीक कर रहा है। महाराज जब भर करके जाने लगे उसी समय त्रिलोकपति श्री ठाकुर जी इनके समक्ष उस वेश से अपने निज स्वरूप में प्रकट हो गए, रुक्मिणी जी प्रकट हो गई। जैसी देखा तो देखते ही महाराज इनकी सब छक्के छूट गए, हाथ में जो पोटली थी वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और महाराज जमीन पर लोटपोट हो गए। हाँ आज कैसा अपराध बन गया, जिन प्रभु का मैं स्मरण करता था आज उन्हीं प्रभु को लूटने का दुस्साहस मैंने किया। हाँ माता का तो और अधिक मैंने अपराध कर दिया, उनसे अत्यधिक जबरदस्ती करी, यह तो सर्वथा अनुचित है, माता क्षमा माता क्षमा ठाकुर जी क्षमा। और महाराज इतने ग्लानी में भर गए कि प्राणों को छोड़ने लगे लेकिन ठाकुर जी ने बचा लिया, बोले मरने की आवश्यकता नहीं है। अरे भैया हरिपाल हम तुम्हारे लिए ही आए थे, हम तो लुटने ही आए थे इसलिए चिंता मत करो। महाराज जब बार बार जोर दे करके कहा तब हरिपाल जी माने लेकिन एक निवेदन किया, बोले प्रभु आप जो आज मुझे दर्शन दे रहे हैं इसमें मेरी पत्नी का बहुत सहयोग है,
इसलिए केवल आप मेरे को कृतार्थ करके चले जाएं, ये सर्वथा अनुचित रहेगा। हे नाथ, प्रार्थना है कि आप मेरी पत्नी को भी दर्शन देकर के कृतार्थ करें।